जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूरी सियासी सफर में पहली बार ऐसा हो रहा है जब देश के कैबिनेट में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। जी हां, पिछले 8 साल के इतिहास को भी देखें तो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब कोई भी कैबिनेट में, मोदी के कैबिनेट में किसी मुस्लिम मंत्री को या नेता को स्थान नहीं मिला है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उनकी राज्यसभा की सदस्यता गुरुवार को खत्म हो रही है। मोदी सरकार में मुख्तार अब्बास नकवी इकलौते मुस्लिम मंत्री थे जिनके इस्तीफे के बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सौंप दिया गया है। नकवी के रिजाइन के साथ ही 8 साल में पहली बार मोदी कैबिनेट मुस्लिम विहीन हो गई है। बीजेपी के सियासी इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब कोई मुस्लिम मंत्री नहीं होगा, जबकि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी सरकार तक में मुस्लिम मंत्री रहे हैं। यह पहली बार है जब ना कोई कैबिनेट में मुस्लिम होगा और न ही बीजेपी से कोई मुस्लिम सांसद है। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कुल 395 सांसद मौजूदा हालात में हैं, जिसमें एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है। दरअसल साल 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी तो मुस्लिम चेहरे के तौर पर नजमा हेपतुल्ला को केंद्रीय मंत्री बनाकर कैबिनेट में शामिल किया गया था। 2014 में मोदी कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ तो मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री बने। 12 जुलाई 2014 को नजमा हेपतुल्ला के इस्तीफे के बाद उन्हें अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय सौंपा गया। नजमा हेपतुल्ला राज्यपाल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद 30 मई 2019 को मुख्तार अब्बास नकवी मोदी कैबिनेट में फिर शामिल हुए और इस बार उन्हें अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय सौंपा गया था। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 2016 को नजमा हेपतुल्ला के इस्तीफे के बाद मुख्तार अब्बास नकवी का प्रमोशन हुआ, लेकिन इसी के साथ मोदी कैबिनेट में मुस्लिम चेहरे के तौर पर एमजे अकबर की एंट्री हुई। पत्रकारिता से सियासत में आए एमजे अकबर मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री बने। इस तरह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 2 मुस्लिम नेताओं को कैबिनेट में जगह मिली थी, लेकिन साल 2018 में एमजे अकबर का नाम मीटू में आने के बाद बीजेपी पर दबाव बढ़ा तो मंत्री पद से एमजे अकबर का इस्तीफा ले लिया गया। अगर जनसंघ की बात करें तो जनसंघ के दौर से लेकर जनता पार्टी और बीजेपी से मुस्लिम सांसद और मंत्री बनते रहे हैं। सिकंदर बख्त जनसंघ के दौर में बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे और लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में रहे। आपातकाल के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार से लेकर 90 के दशक से वाजपेयी सरकार तक में फिरोज बख्त केंद्रीय मंत्री तक रहे हैं। फिरोज बख्त की तरह आरिफ बेग ने भी अपना सियासी सफर जनसंघ से शुरू किया था और बीजेपी में रहे, विधायक से लेकर लोकसभा और राज्यसभा के सांसद तक बने थे। 90 के दशक में बीजेपी में कई मुस्लिम चेहरे उभरे जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन प्रमुख थे। वाजपेयी के अगुवाई में 1996 में सरकार बनी तो फिरोज बख्त मंत्री बने, लेकिन 1998 में उनके साथ साथ मुख्तार अब्बास नकवी को भी जगह मिली थी। वहीं 1999 में शाहनवाज हुसैन की एंट्री हुई और वाजपेयी सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री शाहनवाज हुसैन बने थे। शाहनवाज हुसैन बिहार से 3 बार लोकसभा सदस्य भी चुनकर आ चुके हैं। मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन ने जहां अपना सियासी सफर बीजेपी से शुरू किया तो वहीं नजमा हेपतुल्ला और एमजे अकबर जैसे नेताओं ने कांग्रेस से आकर राजनीतिक पारी भारतीय जनता पार्टी में शुरू किया। आरिफ मोहम्मद खान भी कांग्रेस से बीजेपी में आए और फिलहाल केरल के गवर्नर हैं। बीजेपी ने मुस्लिम चेहरे के तौर पर सैयद जफर इस्लाम को भी आगे बढ़ाया है, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा राज्यसभा में उन्हें मौका नहीं मिला। आपको बता दें कि लोकसभा में बीजेपी का पहले से ही कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने करीब आधा दर्जन मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर सका था।
मौजूदा समय में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए से महज एक मुस्लिम सांसद बिहार के खगड़िया से महबूब अली कैसर हैं, जो एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर जीते थे। हालांकि जनता दल यूनाइटेड ने भी कई मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन उसमें से किसी ने जीत दर्ज नहीं की। इस तरह से बीजेपी के इस कार्यकाल में देखा जा रहा है कि जिस तरह से 395 लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर सांसद थे हैं, उनमें से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, और अब तक पूरी मोदी कैबिनेट भी मुस्लिम मुक्त हो गई है। हालांकि आपको इतिहास बताया कि किस तरह से जनसंघ से लेकर मोदी कैबिनेट तक मुस्लिम सांसद रहे हैं या कैबिनेट में मुस्लिम मंत्री रहे हैं, लेकिन यह पहली बार हो रहा है जब कोई भी कैबिनेट में मुस्लिम ना तो मंत्री है और ना ही बीजेपी से राज्यसभा या लोकसभा का कोई मुस्लिम सांसद है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।